जननी जने हो जेड़ा राड़ा परता हरि अकबर सूतो जिके जान सिड़ा मित्रों, बप्पा रावल से मेवाड़ के वंश की कहानी शुरू होती है। महाराणा कुंभा के बाद महाराणा संग्राम सिंह, जो महाराणा सांगा के नाम से इतिहास में विख्यात हुए, और महाराणा सांगा के पांच पुत्र हुए। पांच पुत्रों में सबसे छोटे थे उदय सिंह। पन्ना धाय स्वामी भक्त गुजरी पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके और अपने बेटे का सर उनके आंखों के सामने बनवीर ने कलम कर दिया। लेकिन महाराणा सांगा को दिए वचन अनुसार, क्योंकि महाराणा सांगा ने खानवा के मैदान में जाते वक्त पन्ना को एक जिम्मेदारी दी थी कि पन्ना में बाबर के युद्ध, विदर्भी बाबर से युद्ध करने के लिए, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए जा रहा हूं, और मेवाड़ के अंतिम कुलदीपक उदय सिंह की जिम्मेदारी मैं तुमको देके जा रहा हूं। तुम किसी भी अंधियारे में, किसी भी तूफान में इसकी रक्षा करना, ये तुम्हारा देश धर्म होगा। मित्रों, मैं निवेदन करता हूं, जितने लोग बैठे हैं वो इस बात को निश्चित रूप से सुनिएगा। 1521 में खानवा के मैदान में, जो भरतपुर जिले में है, वहां पर युद्ध लड़ा गया। 6 महीने तक युद्ध के बाद में वीर गति को प्राप्त हुए महाराणा सांगा। पन्ना धाय के पति का नाम था सूरज गुजर, वो महाराणा सांगा के अंगरक्षक हुआ करते थे, और मातृभूमि और देश की लड़ाई के लिए वे भी शहीद हो गए। और इधर बनवीर को जब ये पता चला, वो एक दासी पुत्र था, उसको पता चला कि मेवाड़ का अंतिम कुल दीपक अभी तक जीवित है, तो वो उदय सिंह को मारने के लिए गया, और पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन को उसकी जगह सुलवा के उसका बलिदान करवा दिया। लेकिन महाराणा सांगा के उस राजवंश के कुल दीपक की रक्षा की। कुंभलगढ़ में आशा शाह कामदार थे जैन समाज के, ये कुंभलगढ़ का इलाका है, महाराणा कुंभा ने चुनवाया था। आशा शाह के यहां पर पन्ना धाय उदय सिंह जी को लेके आई। उदय सिंह जी यहां बड़े हुए, और जालौर के सोनगरा क्षत्रिय कुल के अक्षय राज सिंह सोनगरा की पुत्री जयवंती के साथ महाराणा उदय सिंह का विवाह हुआ। और विवाह के उपरांत ईस्वी सन 1540 की 9 मई की प्रभात में उदय सिंह के यहां पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, और महाराणा प्रताप महाराणा सांगा की स्वाभिमान की लड़ाई यहां तक पहुंच गई। और आज फिर कुंभलगढ़ के कविराज, कुंभलगढ़ के किले की नींव में बैठकर कवि माधव दर्ग इस देश की युवा चेतना को फिर से जगाने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए हल्दी घाटी में समर लगा
हाली दी वो चेतक रो वसवार कथे मायड़ थारो वो भूत कठे एक लिंग दीपान कठे महाराणा प्रताप कठे हल्दी घाटी में समर लड़ो हल्दी घाटी में समर लड़ो वो चेतक रो वसवार कठे मायड़ धारो वो पूत कठे एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा प्रताप कठे बाचो है इतिहासा में बाचो है इतिहासा में मायड़ थे एड़ा पूत गया खन पान लजायो नी थारो खन पान लजायो नी थारो रणधीरा वे सरदार बना बेजा